प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर अभिनेता आमिर खान, गायक एआर रहमान समेत कई हस्तियां शामिल हुई और म्यूजियम में विजुअल और ग्राफिक्स, फिल्म क्लिपिंग जैसे इंटरैक्टिव माध्यम से भारतीय सिनेमा की कहानी सुनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा की तारीफ की। साथियों, वास्तव में फिल्म और समाज दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होते हैं। समाज में क्या हो रहा है वो फिल्में में देखने को मिलता है, और जो फिल्मों में हो रहा है वो समाज में भी आपको नजर आता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यहां मौजूद लोगों के सामने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का एक डायलॉग भी बोला। लोगों ने भी उसका उसी तरह जवाब दिया। टॉपिक के बीच आया हूं तो शायद वो ज्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। इस नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा को संग्रहालय सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसकी लागत करीब 140 करोड़ 61 लाख बताई जा रही है और ये 4 सालों में बनकर तैयार हुआ है।